रायपुर में सब्जी के दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां पर मूंगा, बरबटी, अदरक समेत कई सब्जियां के दाम आसमान छू गए हैं। जहां थोक में टमाटर 60 से 70 रुपए में बिक रहा है, तो वहीं आलू प्याज 35 से 40 रुपए किलो हो गया है, जो बीते महीने 25 रुपए में बिका है। सब्जी की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है। फिलहाल सब्जियों के दामों में कोई राहत की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। कल तक जो सब्जियां 20 से 25 रुपए किलो मिल रही थी, आज वो 60 से 70 रुपए मिल रही, जिसके कारण जो आम जनता है उनके जेब में यहां पर कहीं भारी भरकम प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। दूसरे राज्यों से सब्जी आने के चलते ट्रांसपोर्टिंग खर्चे के कारण जो है सब्जियों के दाम बढ़े। हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। रेड्डी जी, हमने देखा है कि बीते दिनों से अब सब्जियों के दाम बढ़ने लगे, आखिर क्या कारण है इसके? गर्मियों का समय है और स्थानीय सब्जियां बहुत कम हैं। अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 80 से 85 सब्जियां दीगर प्रांतों की आ रही है, और दीगर प्रांत में जहां जैसे कर्नाटक में अभी डीजल और पेट्रोल के भाव में वृद्धि हुई, तो माल भाड़े में वृद्धि, प्लस वहां पर जगह पर भी बहुत महंगी हैं सब्जियां। टमाटर जैसे बेंगलुरु से आते हैं, वहां पर अभी मौके भी लगभग 1500 से 1800 रुपये कैरेट है, और वहां से यहां आने का भाड़ा मिला के वैसी दीगर सब्जियां, धनिया है, आलू प्याज है, परवल पश्चिम बंगाल से आता है, लगभग सभी सब्जियां अपने जगहों पे महंगा है और यहाँ बिक रहा है। आखिर क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ की सब्जियों को छोड़कर दूसरे राज्यों से? गर्मियों के समय में यहाँ के किसान जमीन को खाली रखते हैं, खेतों में नई फसल लेने के लिए, बरसात में नई फसल लेने के लिए, इसके कारण यहाँ प्रोडक्शन लगभग नहीं कर पाता है। स्थानीय सब्जियों में सिर्फ लौकी, करेला, भाटा, भिंडी वगैरह है, बस सब्जियाँ बाहर से आ रही हैं। जो रोजाने की जो सब्जियां उनमें क्या कुछ दाम है अभी आज की बात करें तो? रोजाना की सब्जी में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते आज की तुलना में अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 35% के भाव हुआ है, और सभी सब्जियां अपने उच्चतम स्तर पर चल रही है फिलहाल। तो ये अगर हम बात करें, टमाटर है, बरबट्टी, करेला, भिंडी, इनके क्या कुछ दाम अभी चल रहे हैं? टमाटर थोक में अभी 65 से 70 रुपये किलो है, चिल्लर में 85-90 रुपये किलो हो गया है। बरबट्टी अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है, बरबट्टी या थोक में 80 से 85 रुपये किलो बिका है, चिल्लर में 120 रुपये किलो के आसपास का बिका है। भिंडी भी अपने उच्च पर चल रही है, 45 से 50 रुपये किलो भिंडी थोक में है, चिल्लर में लगभग 70 से 80 रुपये किलो बिक। एक कारण ये कि ये भी है कि देखिए, थोक और चिल्लर में भाव में जमीन आसमान का अंतर रहता है, दुगुना तिगुना मार्जिन रहता है। थोक में आज अगर कुछ 25 से 30 बिका है तो चिल्लर 60 रुपये किलो बिक रहा है। धनिया जैसा आइटम जो छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश से आ रहा है, 150 रुपये किलो आज थोक में बिका है धनिया, चिल्लर में 200 से 220 रुपये बिक रहा है। आलू प्याज महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आलू और प्याज दोनों 28 से 30 रुपये किलो पर है, चिल्लर में 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। आम जनता को इस बढ़ते दाम से कब तक राहत मिल पाएगा? आम जनता को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, बरसात जब चालू हो जाएगा उसके बाद जुलाई 20 तारीख के बाद में ही कुछ राहत मिल सकती है। महीने भर अभी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, प्लस इसके अभी और सब्जियों के रेट में इजाफा होगा तो और महंगा हो सकती है सब्जियां। जी, अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि लगभग एक महीने तक आम जनता को महंगाई से राहत की उम्मीदें नहीं है, और आने वाले दिनों में और भी जो रेट है सब्जियों के, उनके दाम बढ़ने के आसार लगातार बताया जा रहे हैं, यानी कि जो आम जनता, उन्हें महंगाई एक बार झेलनी पड़ सकती है। दूसरे राज्यों से लगातार सब्जियां आ रही, इसके कारण जो सब्जियों के रेट हैं अब वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कब तक आम जनता को इन बढ़ते दामों से राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।